हेलो एवरीवन यू आर वाचिंग आर के टीटोरियल्स यूट्यूब चैनल एंड आई एम रतित त्रिपाठी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउंस के बारे में कलेक्टिव नाउंस जिन्हें हम हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं और अपनी पिछली वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने नाउन की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोज़ देख लें उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो लेट्स बिगिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कलेक्टिव नाउस के बारे में कलेक्टिव नाउंस समूह वाचक संज्ञा अब देखिए आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जो संज्ञा समूह का बोध कराती है उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं ओके तो इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउंस विच आर टेकिंग टूगेदर एज अ होल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउंस। ग्रुप मींस मोर देन वन ऑबियस बात है ग्रुप उसी को बोलते हैं जिसमें मोर देन वन और टू लोग होते हैं अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउंस विच आर एज अ होल कॉमन नाउंस का एक ग्रुप जो एज अ होल देखा जाता है जिसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है उस ग्रुप को उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं समूह वाचक संज्ञा कहते हैं ओके okay? जिसमें ग्रुप मीन्स मोर देन वन मोर एक से ज्यादा लोग होते हैं उसमें नेक्स्ट सम कॉमन नाउंस अ ग्रुप एंड दिस स्पेशल नेम इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन जब आप किसी कलेक्शन ऑफ पीपल कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर कलेक्शन ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स एक्सेट्रा किसी uh, इनके ग्रुप्स को जब एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो वो नाम कहलाता है एक स्पेशल नेम कहलाता है और वो स्पेशल नेम कलेक्टिव नाउन होता है ओके okay? एक समूह का आप नाम रख देते हैं जब किसी एक ग्रुप का नाम रख देते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं और एक स्पेशल नेम होता है ओके okay? नेक्स्ट क्या है कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर इन फॉर्म इवन दो इट नेम्स एनीथिंग विच आर टू और मोर देन टू क्या लिखा है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है ओके okay? प्लूरल नहीं होता है जो वर्ड होता है कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर होता है जबकि कलेक्टिव नाउन क्या करता है समूह किसी ग्रुप का बोध कराता है लेकिन उसका जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है प्लूरल नहीं होता है ओके okay? सच ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन फ्रेज ऐसे ऐसे स्पेशल नेम्स को कलेक्टिव नाउम्स को नाउन फ्रेजेस भी बोलते हैं जो कलेक्टिव नाउंस के जो नाम होते हैं जो उन्हें नाउन फ्रेजेस भी बोलते हैं ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर कलेक्टिव द लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउम्स ओके वॉट इज द लिस्ट सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्शन ऑफ पीपल लोगों के लोगों का जो कलेक्शन होता है लोगों उनके बारे में डिस्कस करेंगे अब देखिए एग्जांपल्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का समूह छात्रों का समूह अब देखिए किसी एक छात्र के बारे में तो बात हो नहीं रही है एक पर्टिकुलर छात्र के बारे में छात्रों का ग्रुप एक से ज्यादा मोर देन वन और टू लोग हैं उसे हम कहते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और हम उसको एज अ होल देखते हैं तो बोलते हैं क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ के बच्चे बैठे हैं और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी बहुत सारे लेकिन हम उन्हें एज अ होल एज एज अ होल एज एज वन देखते हैं और उसे हम नाम देते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ओके और ये दो वर्ड्स दिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के uh, को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दो नाम दिए जा सकते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड नेक्स्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओके ये भी एक वर्ड है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और एक अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स नेक्स्ट विल बी अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओके अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं निर्देशक होते हैं निर्देशकों की मंडली हिंदी में बोलते हैं निर्देशकों का जो ग्रुप होता है उनकी जो मंडली होती है जिसमें मोर देन मोर देन वन डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें ये वर्ड दिया गया है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओके नेक्स्ट इज अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स ये बोर्ड जो वर्ड है वो दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स और भी किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है ओके नेक्स्ट पीपल अ क्राउड ऑफ पीपल अ थ्रॉन्ग ऑफ पीपल अब देखिए लोगों के लिए, लोगों के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज होते हैं पीपल के लिए ओके अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों का समूह होता है लोगों की भीड़ होती है उनके लिए कितने सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं देखिए पहला अ क्राउड ऑफ पीपल दूसरा अ थ्रोंग ऑफ पीपल ठीक है तीसरा अ कंकोर्स ऑफ पीपल ओके चौथा है अ कॉरपोरेशन ऑफ पीपल पांचवा है अ कॉलोनी ऑफ पीपल अ होस्ट ऑफ पीपल उसके बाद अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एंड लास्ट इज क्यू ऑफ पीपल क्यू का मतलब क्या होता है क्यू का मतलब होता है लाइन या कतार जह जब बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं तो उसे कतार बोलते हैं तो उसके लिए भी उस भीड़ के लिए भी क्यू क्यू का इस्तेमाल हो सकता है तो देखिए अब सिर्फ पीपल के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल थ्रॉन्ग ऑफ कंकोर्स ऑफ पीपलेशन ऑफ पीपल कॉलोनी ऑफ पीपल ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एंड क्यू ऑफ पीपल और इन सबका मतलब यही होता है लोगों की भीड़ ओके okay? सबका मीनिंग यही होता है लोगों की भीड़ बस डिपेंड करता है उनके यूसेज पे कि कहाँ किस टाइप का वर्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज robbers अ गैंग ऑफ रॉबर्स अब देखिए ये एक कलेक्टिव नाउन है अ गैंग ऑफ रॉबर्स जो डाकुओं का समूह होता है उनके लिए गैंग का वर्ड यूज किया गया है और इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं सिमिलरली सिमिलरली यहाँ भी ये यह जो वर्ड्स हैं अ क्लास अ ग्रुप बोर्ड क्राउड थ्रॉन्ग ये सब क्या हो गया कलेक्टिव नाउंस हो गए ओके अ कॉलोनी अ होस्ट अ मल्टीट्यूड अ क्यू ये सब अब क्या हो गए कलेक्टिव नाउन्स ये एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है ना स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास दिया गया वर्ड क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़ को क्राउड बोला गया है ठीक तो जो क्राउड वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन हो गया जो क्लास है ये कलेक्टिव नाउन हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया ओके okay? इसी तरह से सिमिलरली गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का जो समूह होता है उनके ग्रुप को गैंग बोला गया है उसी तरीके से जो थीव्स चोरों का जो ग्रुप होता है चोरों का गिरोह होता है उसे भी कलेक्टिव नाउन बोलते हैं गैंग गैंग वर्ड का यूज किया गया है उनके लिए सिमिलरली कॉन्विक्ट के लिए अपराधियों के लिए अपराधियों का समूह जो होता है उनके लिए भी गैंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और जो प्रिजनर्स जो कैदियों का दल होता है उनके लिए भी गैंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और जो गैंग वर्ड है ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब काउंसिल क्या हो गया जो मंत्रियों का जो ग्रुप होता है मंत्रियों का परिषद होता है उन्हें भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं और इस कलेक्टिव नाउन को वर्ड दिया गया है काउंसिल ओके काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स सलाहकारों का परिषद जो सलाह देते हैं उनके ग्रुप काउंसिल uh, uh, कहते हैं और मिनिस्टर्स जो मंत्रियों का समूह होता है उन्हें भी काउंसिल का वर्ड दिया गया है काउंसिल वर्ड दिया गया है एज कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट इज अ कंपनी ऑफ एक्टर्स जो अभिनेता होते हैं उनकी मंडली को भी वर्ड दिया गया है कंपनी और ये वर्ड क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन और यही वर्ड यूज हुआ है मर्चेंट्स के लिए व्यापारियों के लिए व्यापारियों की मंडली को भी कंपनी बोल सकते हैं अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स तो दो लोगों के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है और वर्ड क्या है कंपनी कंपनी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया ओके okay? समूहवाचक संज्ञा हो गया नेक्स्ट वर्ड इज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो मित्रों की मंडली होती है दोस्तों की मंडली होती है उन्हें वर्ड दिया गया है सर्कल ऑफ फ्रेंड्स ओके तो सर्कल क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया नेक्स्ट इज अ ऑफ जजेस अब देखिए जजेस के लिए कितने सारे वर्ड्स यूज हुए हैं सिर्फ जजेस के लिए जो अ ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो प्लूरल ग्रुप ऑफ जजेस न्यायाधीशों का जो समूह होता है उनके लिए कितने वर्ड यूज हो सकते हैं अ ज्यूरी ऑफ जजेस ठीक है अ ज्यूरी बोलते हैं जो कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं उनको ज्यूरी बोलते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा जजेस बैठे होते हैं उन्हें ज्यूरी बोलते हैं नेक्स्ट इज बेंच ऑफ जजेस जो बोलते हैं न्यायाधीशों की पीठ ओके नेक्स्ट वर्ड इज पैनल और ये तीनों वर्ड्स क्या हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए पैनल भी बोलते हैं न्यायाधीशों की मंडली को पैनल ऑफ जजेस अ ऑफ जजेस अ बेंच ऑफ जजेस ये सारे क्या हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए ओके okay? नाउ हमारी अगली लिस्ट है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इनके मतलब जो एनिमल्स जानवरों को पक्षियों को और जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं उनके लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज हुए हैं ये उनकी लिस्ट है ओके okay? तो पहली लिस्ट क्या है अ टीम ऑफ हॉर्सेस घोडों का समूह अब देखिए जो घोडों का समूह होता है उनके लिए दो वर्ड यूज हुए हैं अ अ अ अ टीम टीम ऑफ़ 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 एंड एंड स्टड स्टड ओके और ये दोनों ही वर्ड क्या हो गए कलेक्टिव नाउन हो गए बिकॉज दे आर डिपिक्टिंग मोर मोर देन वन हॉर्स और अ ग्रुप ऑफ हॉर्सेज और कलेक्शन ऑफ हॉर्सेज तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट विल बी अ ट्रूप ऑफ मंकीज जो बंदरों का समूह आता है बंदरों का समूह जो एक साथ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं उनको बोलते हैं ट्रूप ट्रूप वर्ड यूज हुआ है बंदरों का झुंड ओके इसमें भी कई सारे बंदरों के बारे में बात की है ग्रुप ऑफ बंदरों के ग्रुप ऑफ मंकीज के बारे में बात की गई है तो इनके लिए वर्ड यूज हो गया ट्रूप ऑफ मंकीज फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसको शेयर करें ओके और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने क्वेरीज अपने डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए प्लीज ओके नेक्स्ट विल बी अ हर्ड ऑफ कैटल्स अब देखिए जो पशुओं का झुंड होता है जो उनके लिए वर्ड यूज किया गया हर्ड और हर्ड वर्ड जो होता है वो कितने लोगों के लिए यूज हुआ है जरा देखिए कितने सेंस uh, uh, में यूज हुआ है अ हर्ड ऑफ कैटल्स जानवरों का झुंड पशुओं का झुंड नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ डियर्स हिरणों का झुंड नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ स्वाइन सुअरों का झुंड इन तीनों तीनों के लिए यूज हुआ है हर्ड वर्ड क्या यूज हुआ है हर्ड और हर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया ठीक अ ग्रुप ऑफ कैटल्स हो गया ग्रुप ऑफ कैटल्स क्या बोलेगा क्या बोला जाएगा हर्ड ग्रुप ऑफ डियर्स हो गए क्या बोले जाएंगे हर्ड ग्रुप ऑफ स्वाइन हो गए इनके लिए भी क्या बोला जाएगा हर्ड तो हर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया नेक्स्ट अ फ्लॉक ऑफ शीप्स जो भेड़ों का झुंड होता है उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ है फ्लॉक और फ्लॉक वर्ड भी कितने कितने लोगों के लिए यूज हुआ है भेड़ों के झुंड के लिए यूज़ हुआ है जो कलहंसों का झुंड होता है उनके लिए यूज़ हुआ है अ फ्लॉक ऑफ गीज़ इनको बोलते हैं कलहंस और भेड़ों के लिए यूज़ हुआ है अ फ्लॉक ऑफ शीप्स और उसके बाद मुर्गी के बच्चे जो चिकन्स होते हैं उनके लिए भी फ्लॉक वर्ड का यूज़ हुआ है तो फ्लॉक वर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया ओके

लेकिन वो पर्सन वाली लिस्ट में आ जाता है हमारी पिछली लिस्ट में आ जाएगा तो यहाँ पे उसे मैं नहीं किया है ये एनिमल्स की लिस्ट है एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स की ओके तो यहाँ पे आप बस समझ लीजिए कि एन आर्मी 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 ऑफ एंट्स के के झुंड लिए भी वर्ड वर्ड यूज होता है तो army word क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया ओके नेक्स्ट विल बी कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो ग्रुप ऑफ थिंग्स की लिस्ट होती है ये उनके लिए यूज हुआ है कलेक्टिव नाउन अ बंच ऑफ कीज़ बंच ऑफ की चाबियों का गुच्छा जो चाबियों का गुच्छा हम लोग हमारे घरों में होता है उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है बंच और बंच क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया क्यों क्योंकि उस गुच्छे में एक से ज्यादा चाबियां होती हैं दो हो सकती हैं दस हो सकती हैं पूरे घर की चाबियां हो सकती हैं तो उनके लिए गुच्छा वर्ड यूज हुआ है समूहवाचक संज्ञा गुच्छा हो गया और कलेक्टिव नाउन बंच हो गया सिमिलरली जो अंगूरों का गुच्छा होता है उनके लिए भी बंच वर्ड का यूज हुआ है बंच ऑफ ग्रेप्स तो बंच क्या हो गया दो लोगों के लिए दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है अ बंच ऑफ कीज बंच ऑफ ग्रेप्स और दोनों के लिए ही ये कलेक्टिव नाउन हो गया तो बंच विल बी व्हाट अ कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट विल बी अ सेट ऑफ टूल्स जो हमारे औजारों का जो समूह होता है औजारों जो जहाँ पे सारे औजार एक साथ रखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सेट सेट वर्ड का यूज किया गया है और सेट वर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन और सेट वर्ड कितने चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ दो चीजों के लिए अ सेट ऑफ टूल्स एंड अ सेट ऑफ रूल्स नियमों का सेट ठीक है जो हमारे नियम कानून होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उनके लिए भी सेट वर्ड का यूज हुआ है तो सेट क्या हो गया कलेक्टिव नाउन सेट दो चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है सेट कलेक्टिव नाउन हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया ओके नेक्स्ट इज एन एल्बम ऑफ फोटोज जो हमारी फोटोज की एल्बम होती है उनके लिए भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ हुआ है और वो कलेक्टिव नाउन वर्ड दिया गया है एल्बम ओके एल्बम दिया गया है फोटो का एल्बम और नेक्स्ट इसी सेंस में क्या है अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स जहाँ पे हमारी बहुत सारी पिक्चर्स कलेक्टेड होती हैं आइदर इन फोन और इन एनी अदर फॉर्म तो उसको हम क्या बोलते हैं गैलरी और गैलरी वर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया ठीक है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं एक पिक्चर नहीं है देर आर मैनी पिक्चर्स ओके नेक्स्ट इज अ चेन ऑफ माउंटेंस जो पर्वतों की पहाड़ों की श्रृंखला होती है रेंज जो होती है जहाँ पे बहुत सारे माउंटेंस देखने को मिलते हैं हमें उसे क्या बोलते हैं चेन उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है चेन ऑफ माउंटेंस और चेन वर्ड इवेंट्स के लिए भी यूज हुआ है जो घटनाएं होती हैं उनके उनकी जो सीरीज होती है उनके लिए भी चेन वर्ड का यूज हुआ है तो चेन वर्ड दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है माउंटेंस के लिए और इवेंट्स के लिए तो चेन वर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन ओके चेन विल बी कलेक्टिव नाउन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इस फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है अ चेन ऑफ इसमें कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन नाउन क्या है तो collective noun वो है तो वो जो सिंगुलर फॉर्म में है मैंने अभी पीछे बताया था कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है तो चेन देखिए चेन सिंगुलर है गैलरी सिंगुलर है एल्बम सिंगुलर है सेट सेट सिंगुलर है बंच सिंगुलर है तो ये हो गई कलेक्टिव नाउन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज यह मत बताइएगा कि कोई ये मत बोल दीजिए कि माउंटेन्स कलेक्टिव नाउंस हो गया ये गलत हो जाएगा ओके okay? जो सिंगुलर वर्ड होता है जो ग्रुप के ग्रुप में एक ग्रुप को नाम दिया जाता है उसे कलेक्टिव नाम कहते हैं ओके नेक्स्ट इज अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है जो टापुओं का समूह होता है उनके लिए वर्ड यूज हुआ है क्लस्टर ओके टापुओं का समूह इनके लिए वर्ड यूज हुआ, हुआ है क्लस्टर तो क्लस्टर विल बी कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट इज अ फ्लीट ऑफ कार्स सड़कों पर जो कार्स का बेड़ा जो लाइन लग जाती है उन्हें बोलते हैं फ्लीट इसके लिए वर्ड दिया गया है फ्लीट ऑफ कार्स तो फ्लीट क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया नेक्स्ट विल बी अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स फ्लाइट ऑफ जो सीढ़ियों का क्रम होता है घरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं एक दो तीन चार पाँच चढ़ते जाते हैं हम लोग उनको बोलते हैं फ्लाइट ओके okay? और फ्लाइट वर्ड यूज हुआ है स्टेप्स के लिए भी यूज हुआ है जो हम लोग जब चलते हैं उठाते हुए कदमों का जो क्रम होता है जो सीरीज होती है उनके लिए भी वर्ड यूज हुआ है फ्लाइट फ्लाइट ऑफ स्टेप्स एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन दोनों के लिए वर्ड यूज हुआ है फ्लाइट फ्लाइट तो flight क्या हो गया कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट इज अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं हजारों लाखों करोड़ों पेड़ होते हैं और उन हजारों लाखों करोड़ों पेड़ों को बस एक नाम दिया गया है फॉरेस्ट तो ये फॉरेस्ट क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया ओके okay? क्योंकि ये बहुत सारे पेड़ों को बस एक नाम दिया गया है फॉरेस्ट जंगल ओके नेक्स्ट विल बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स सीरीज ऑफ इवेंट्स अब देखिए घटनाओं की श्रेणी अभी पीछे भी एक वर्ड यूज हुआ था इवेंट्स के लिए और यहां भी वर्ड यूज हो रहा है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स तो सीरीज वर्ड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया और सीरीज वर्ड एक और जगह यूज हुआ है लेक्चर्स के लिए जो भाषणों की श्रेणी होती है उनके लिए भी यूज हुआ है सीरीज तो सीरीज क्या हो गया कलेक्टिव नाउन भाषणों के लिए और घटनाओं की श्रेणी के लिए नेक्स्ट इज अ कोड ऑफ लॉज जो कानूनों की संहिता होती है उनके लिए वर्ड यूज हुआ है कोड आपने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट जो कानून की भाषा में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कोड तो कोड क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया ओके नेक्स्ट ओके तो ये थी हमारी फाइनल स्लाइड गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें